और सुना भाई, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक भाई। बढ़िया, सब सब बढ़िया चल रहा है भाई साहब। और परिवार? बस परिवार भी आपकी दुआ से ठीक है भाई। बढ़िया भाई, तो मौज ले रहा है फिर। हेलो हेलो, सुनो। हाँ, आलू ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। आलू भी ले आऊंगा और दही भी। दही भी ले आऊंगा। टमाटर भी ले आना। टमाटर यार 80 रुपए किलो हो रहे। ले आना प्लीज। चल यार, ये भी 1 किलो ले आऊंगा। चाप भी यार, दुर्गापुरी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, वहाँ से लेकर आऊंगा। तू थोड़ा लियाज रख लिया कर। पनीर भी। पनीर ले आऊंगा। आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी आपके लिए। चल ठीक है, ओके बाय। यार तू भी बस, क्या बताऊं। बाय बाय। ठीक है। किसका फोन था यार? तेरी भाभी का फोन था। अरे यार, तू तो दुनिया भर का काम करता है, पूरा लुगाई का गुलाम हो रहा। नहीं नहीं भाई, मैं जोर का गुलाम नहीं हूँ। मैं औरत की इज्जत करता हूँ, और औरत की इज्जत करना हर मर्द का धर्म होता है। हमारी रगों में उसकी रगों में खून अलग थोड़ी है। मैं बाहर काम करता हूँ तो वो घर में काम करती है, तो इसलिए औरत की इज्जत करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप भी करें मेरी तरह। ठीक है बाबा, चला चलो। अरे यार मुन्नी जी, क्या हाल है? ठीक है, और कैसा है तू? क्या हाल है? बस बढ़िया। आओ आओ बैठो। काम था मुझे यार। अरे बैठो भी, अब सर्दी बहुत होगी भाई। हाँ यार, इस दफे तो कुछ ज्यादा सर्दी पड़ रही है। यार तुमने मुझे यहाँ बैठा लिया, मुझे तो घर जाना था, काम था कोई। जरूर भाभी ने कुछ काम बताया होगा, जब भी घर से बाहर निकले आई हो, नहीं तो वैसे ना निकलता। यार मेरे सामने ही फोन आया था बेचारे का, दही बल्ले लेने आ रहा। यार घर के काम तो करने ही पड़ते है ना। पक्का जोरू का गुलाम है भाई। है भाई, एक बात बताइए। हाँ। तुझे कोई और रिश्ता मायने नहीं रखता? ले रखता क्यों ना भाई, माँ बाप का भी रिश्ता है, भगवान का भी रिश्ता है। हर रिश्ता जो है आप अपने दायरे में है। देखो भाई, रिश्ता तो भगवान का भी होता है, उस रिश्ते को हम पूजा पाठ करके निभाते हैं। भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं ना, वो हमारे जन्मजात रिश्ते होते हैं, जो जन्मों से ऊपर से बनकर आते हैं। दोस्ती का रिश्ता भी जो है ना, मतलब का रिश्ता होता है, उसकी भी परीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ पत्नी का रिश्ता ही एक वो रिश्ता होता है जो करीब ना होते हुए भी मुश्किलों में साथ देती है, पूरी जिंदगी निस्वार्थ भाव से साथ निभाने के लिए तत्पर रहती है और निभाती है जहां तक भी उससे बनता है। देखो अपने माँ बाप, भाई बहन, ताऊ चाचा, रिश्ते नाते सब छोड़ करके हमारे साथ एक प्यार का पति पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए चली आती है वो। समझे या नहीं समझे मेरी बात? यार भाई तुमने तो आज बहुत गहरी बात बता दी भाई, आज के बाद ना हम तेरी मजाक नहीं करेंगे। भाई मुझे भी माफ कर दे, मैंने तुझे जोरू का गुलाम कहा। आज हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली है, तेरी बातों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। भाई दिल पे लेगे बात, ऐसी कोई बात नहीं थी। अपने परिवार में अपने बच्चों की सभी इज्जत करो, सब यही चाहते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है भाई। ठीक है भाई। हाँ चल चले।